असत्य और छल कितना ही हटी क्यों ना हो शिव तश्री, विजय सदैव सत्य की ही होती है। कनिष्क, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? वो तुम्हारे पिताश्री है। नहीं मां, आप अपने अधिकारों को छिनता देख मौन रह सकती हैं, किंतु मैं नहीं। इक्कीस वर्षों तक आप यहां की महारानी रहे, किंतु तक्षशिला कुमारी के वापस लौटते आपसे आपके सारे अधिकार छीन लिए गए। समझिए माँ, ये आपके पति और मेरे पिता उसी समय से नहीं रहे जिस समय से इनके जीवन में पुरु आ गया।
अब केवल इनके लिए पुरु की प्रसन्नता ही महत्व रखती है। मेरे लिए इनका प्रेम, मेरा अधिकार, मेरा मान, मेरा सम्मान सब कुछ मुझसे छीन कर इन्होंने पुरु को दे दिया। बचपन से यही जाना कि पौरव राष्ट्र का अगला महाराजा मैं हूं, किंतु अचानक दस्यु लोक से कोई लड़का आता है और ये उसे सब कुछ सौंप देते हैं। गुरु के आने के पश्चात बहुत कुछ बदल गया है मां, जीवन का द्वंद भी और पिता पुत्र का संबंध भी। एक बालक के हाथों से खिलौना छीनकर अगर दूसरे बालक के हाथ में दे दिया जाए तो वो रोता है, पर कुछ देर बाद वो मान भी जाता है। किंतु आपने तो मेरा सपना ही छीनकर पुरु को दे दिया। मेरी आंखों से बहते लहू के आंसू नहीं दिखे आपको। जिस पुत्र को आप मरा समझ बैठे वो अचानक लौट आए तो आप सब कुछ भूल बैठे। आपने उस पुत्र के लिए उस पुत्र का अस्तित्व मार डाला जो अब तक आपके साथ था। हमसे तुमसे कोई अधिकार नहीं छीना पुनीश। गुरु तुम्हारा ज्येष्ठ है, सिंहासन का पात्र भी। ज्येष्ठ तो ताऊश्री भी थे ना, फिर आपने सिंहासन पर बैठना क्यों स्वीकारा? अधिकार ना मिले तो उसे छीन लेना अपराध नहीं, वीरता है। और मेरी दृष्टि में सिंहासन का पात्र मैं। यदि आपकी दृष्टि भ्रमित है तो मुझे आपको इस सिंहासन से अपदस्थ करना पड़ेगा। राजकुमार कनिष्क का युवराज अभिषेक था, पर अब मैं अमात्य शिवदत्त कुमार कनिष्क के राजाभिषेक की घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं। राजगुरु, कुमार कनिष्क के राजाभिषेक की विधि के प्रबंध किए जाए। ये राज्याभिषेक अभी होगा। भूतपूर्व महाराज और महारानी के समक्ष जिसे तुम दोनों अपनी आंखों से होते हुए देखोगे।
उचित कहा था पुरु, हमें घेरने का प्रयास किया जा रहा था। अब क्या करें पुरु? बारसीन ने यहां से निकलने का एक गुप्त मार्ग बताया है मुझे, आओ मेरे साथ। यही वो मार्ग है जो हमें इस नगर की सीमा के बाहर तक ले जाएगा। यहां से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति निकल सकता है, इसलिए अलेक्जेंडर की सेना हमारा पीछा नहीं कर पाएगी। हमें शीघ्रता करनी होगी। हमें ये मार्ग बंद करना होगा, कुछ पत्थर लाने होंगे। नहीं पुरु, हमारे पास इतना समय नहीं है, तुम लोग आगे जाओ, मैं अलेक्जेंडर को रोकती हूँ। नहीं विशुद्धि, तुम्हारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। नहीं लाची, आज तक जीवन में मैंने सिर्फ बुरे काम ही किए, आज अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करके मुझे ये विश कन्या का कलंक अपने सर से हटाना है। तुम लोग आगे जाओ। मैं कोई आम इंसान नहीं, खुदा हूं, देवता ज़ियुस का बेटा, और जिसकी रगों में बचपन से दुनिया का सबसे खतरनाक जहर दौड़ रहा हो, उस पर तुम्हारा जहर क्या काम करेगा। पर अब देखना यह है कि तुम मेरे जिस्म का जहर सह पाती हो या नहीं। हुजूर, हम अब भी उन्हें पकड़ सकते हैं। नहीं हेफेस्टियन, मुझे ललकार कर गया है वो, इसलिए ज़ियुस का ये बेटा अब भारत के उस बेटे से जाकर उसी की सरजमी पर मुलाकात करेगा, मगर उसके पहले मुझे एक जरूरी काम को अंजाम देना है। शहजादी पारसीन, बेशक मुझसे बगावत की कीमत तो उसको चुकानी होगी।
विश्वास नहीं होता हम सब जीवित निकला है। हाँ हस्ती, क्योंकि हम सबके जीवन का मूल्य विशुद्धि ने अपने प्राण देकर चुकाया है। मूल्य नहीं, बलिदान है ये लाची। अपनी मातृभूमि की रक्षा के धर्मयुद्ध पर हैं और मातृभूमि की स्वतंत्रता बलिदान मांगती है, और ये तो केवल आरंभ है, अभी तो हमें बहुत कुछ त्यागना है। व्यक्तिगत हानि को बुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा और याद रखना होगा कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है, तभी हम अलेक्जेंडर के विरुद्ध ये युद्ध जीत पाएंगे। तो फिर तुमने अवसर क्यों गवाया पुरु? उसी समय उसका सिर धड़ से अलग क्यों नहीं कर दिया? नहीं हस्ती, वो हमारे आदर्शों और संस्कारों के विरुद्ध होता। कोई बात नहीं, वैसे भी इस विध्वंस को देखने के बाद अलेक्जेंडर अपना मुंह भारत की ओर कभी नहीं करेगा। हस्ती उचित कह रहा है, वो भयभीत हो जाएगा। यदि वो भयभीत हो सकता तो वो मेरी नियति नहीं होता। वो ये पराजय स्वीकार नहीं करेगा। हमारा प्रहार उसके भारत आने के निश्चय को और भी दृढ़ कर देगा। कितना वक्त लगेगा इस तबाही से उभरने में? हमारी रसद का एक बड़ा हिस्सा आग को नजर हो गया है हुजूर। हथियार खाने को भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत से घोड़े आग के शिकार हो गए। सब कुछ ठीक होने में करीबन 2 महीने का वक्त लगेगा। 15 दिन का वक्त है तुम्हारे पास फेस्टियन। पार्सन, अरे ये वही कारागार है जिसके अंधकार में मुझे फेंक दिया गया था। स्वयं मेरे भाई ने माँ, क्या हुआ पुरु? माँ किसी कष्ट में है लाची, हमें शीघ्र ही पौरव राष्ट्र पहुंचना होगा।